गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो सेंसस के बारे में बात की गई है और विशेष के अंदर भी सेंसस के बारे में बात की गई है और नेक्स्ट सामयिकी के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात की गई है और इनडेप्थ के अंदर बात की गई है इनडेप्थ के अंदर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में और दो दिन का पुराना आर्टिकल भी है हमारे पास रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमी के बारे में और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में, तो सारा का सारा आज हम कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़, हम सामयिकी का थोड़ा सा बात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना यहाँ पर हमारे भाषा से संबंधित है, हमारी जो राजभाषा है, मतलब तमाम भाषाओं को हमारी हिंदी भाषा जो है ऊर्जा देती है। एक तरह से बहनों में बड़ी बहन है, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। एक तरह से सेतु का काम करता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को, फेडरल व्यवस्था को, फेडरल स्ट्रक्चर को एक करने का काम करता है। सोशल मीडिया के जरिए या फिर हमारे मूवीज के जरिए ये सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। पूरी दुनिया में हिंदी को बढ़ावा मिला है, भारत एक महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। 160 देशों के आसपास हिंदी को कहीं ना कहीं अल्टरनेट के रूप में यूज किया जाता है, पढ़ाया जाता है और यूनाइटेड नेशन में रेडियो को, रेडियो की एक बुलेटिन आने लग गई है वीकली करके। तो ये भी दिखाता है, 2019 से ही ये दिखाता है हमारी हिंदी की प्रकाष्ठा कितनी बढ़ रही है। देखो, बड़ा अच्छा शब्द बोला था सामयिकी के अंदर उस बंदे ने, भारत की बिंदी हिंदी, भारत की बिंदी हिंदी, भारत की सौंदर्य हिंदी, भारत की बिंदी हिंदी, भारत की सौंदर्य हिंदी, भारत की अस्मिता हिंदी, विश्व पटल पर हिंदी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है, राज्य निभाता है, भाषा बढ़ती है। और भाषा सिर्फ बढ़ेगी कैसे, नागरिक भी उसके अंदर समन्वय रूप से सम्मिलित होंगे तब जा करके। तो हालांकि साउथ नॉर्थ का तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो इस तरह से ऐसे वगैरह में कहीं भी आप पॉइंट यूज कर सकते हो। हिंदी के कुछ पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंसस होने वाला है हमारा 2021 का और ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर बात की गई है किसी भी देश की नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिक की सही जनसंख्या का पता होना बहुत जरूरी है। आखिर हम सेंसस करते क्यों है, तो सवाल का आंसर यहाँ से मिलता है। किसी भी कंट्री की पॉलिसी निर्माण के लिए पहला सोशल इकोनॉमिक जानकारी सही आंकड़े की बदौलत हम कमजोर व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं, उनको सही जगह, उनको सही जॉब किस तरह का चाहिए, कहां जॉब नहीं है, किस जगह पे एजुकेशन नहीं है, किस जगह पे संस्कृत बोली जाती है, किस जगह पे सफाई नहीं है, बहुत सारी चीजें यहां पर कवर की जा सकती है। जनगणना के तरीकों में भी तेजी से बदलाव, हर 10 साल में होता है। पहले स्टार्ट हुआ था पेन से, स्टार्ट हुआ था मतलब बर्बली यूज़ किया जाता था कागज़ कलम से, अब ये इस बार डिजिटली होगा टोटल का टोटल। यहाँ पर देश में एक बार फिर से जनगणना का काम शुरू हुआ और देश की 16th नंबर और 8th जनगणना जो है ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था और 8 जनगणना हमारे भारत में हो चुकी है। देश की 16वीं जनगणना प्रक्रिया में लाखों कर्मी शामिल होने जा रहे हैं। 15 हो चुकी है, ये 16वीं होगी। इसमें ना सिर्फ परिवारों की संख्या गिनी जाएगी बल्कि इसमें मकान की स्थिति से लेकर पानी, टीवी, बिजली, शौचालय, मोबाइल, इंटरनेट जैसी तमाम जानकारियां, मतलब टोटल 31 बातें पूछी जाएंगी। आपके घर अगर सेंसस के लोग अधिकारी आते हैं तो आपसे खर्चे भी आएंगे, तो गवर्नमेंट करती है, जरूरी भी है। नेक्स्ट इसके अंदर बात की जाए तो पूछे जाने वाले सवाल, फिर से कहना हो, इस तरह के ट्रैप हो सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, 31 सवाल पूछे जाएंगे। बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, मकान की छत, दीवार और सीलिंग के मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ मटेरियल, मकान का इस्तेमाल किस मदद से, किस मकसद से हो रहा है, घर के मुखिया का नाम, क्या घर के मुखिया SC हैं या ST हैं। एक इस शब्द को मैं बताऊं, SC ST, यहाँ पर जाति की बात अगर की जाए तो 2011 के जनगणना में, सेंसस में पहली बार जाति को, कास्ट को सम्मिलित किया गया था कि आप किस कास्ट से सम्मिल रूप लेते हैं। और इसमें होता क्या है, असल में परिसीमन आयोग को भी जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा। हालांकि आज़ादी के समय से, 1952 से जब जनगणना हुआ, सेंसस हुआ था, तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों ने, उस समय के लोग भी थे, और उस समय से 2011 से पहले तक इसको नहीं लिया जाता था, कहा जाता था कि हमारा देश एक है और जाति धर्म की व्यवस्था अलग चीज है, लेकिन हमारा देश एक है। लेकिन 2011 से जरूरत महसूस हुई तो लिया जाने लगा, छोटा सा फैक्ट है।
मकान में मौजूद कमरे को पूछा जाएगा, घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, घर में पानी के स्रोत की उपलब्धता है या नहीं, बिजली का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय है या नहीं, वॉशरूम है या नहीं, रसोई घर है या नहीं। एक बार देखना जरूरी है आपको, ऑप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। इसमें LPG PNG कनेक्शन है या नहीं, रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट की सुविधाएं हैं या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है या नहीं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन है या नहीं, घर में किस अनाज का मुख्य रूप से उपभोग होता है, जनगणना, देखो अनाज भी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर अनाज भी आ रहा है, जनगणना संबंधी संपर्क के लिए मोबाइल नंबर, नेक्स्ट, पहली बार आंकड़ों के संकलन के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल, जनगणना का निगरानी और प्रबंधन पोर्टल की व्यवस्था से किया जा रहा है। यहाँ पर नतीजे आम जनता को भी उपलब्ध कराए जाएंगे, आंकड़े मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकार, हितधारकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, आंकड़ों की गांव और वार्डों के साथ भी साझा किया जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि सेंसस का डाटा चला गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आंकड़ों के गांव को वार्ड के साथ साथ भी साझा किया जाएगा, ब्लॉक स्तर के आंकड़ों को परिसीमन आयोग पर भी साझा किया जाएगा, जनजातियों ट्राइब्स के निर्धारण के लिए जनसंख्या के आंकड़े का सशक्त माध्यम, पूरे देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार का सृजन करना, मानव संसाधनों के क्षमता विकास में मदद मिलेगी, भविष्य में लोगों के लिए रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी। अब देखो 1881 में पहली बार अलग विभाग बना, हालांकि 1871 से ये स्टार्ट हुआ है, सेंसस कमिश्नर की को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत में सेंसर कमिश्नर का पद 1941 तक रहा, सेंसस कमिश्नर का पद 41 तक रहा और 1949 में इसका नाम बदल के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। मई 1949 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन ये आ गया और 1872 में हुई जनगणना को मिलाकर यहाँ पर नेक्स्ट, अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी है। अभी कितनी नंबर होंगी, 16th नंबर यहाँ पे ट्रैप होंगे, 16th नंबर, 15 हो चुकी है, 8 पहले हो चुका है ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, 1951 से लेकर वही बातें रिपीट हो रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कुछ डाटा रिलीज किया है कि क्राइम्स में किस किस तरह का क्या क्या हुआ है। फार्मर सोसाइट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फार्मर सोसाइट्स हुआ है 2018 के डाटा के अनुसार, तमिलनाडु में सेकंड, वेस्ट बंगाल में थर्ड, MP में, तो आप एक आध पॉइंट ही यूज कर सकते हो अगर याद रहा तो। बाकी क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन में किडनैपिंग एंड एबडक्शन 44.2% बढ़ा है, तो मेंस के ये डाटा याद रहे तो ठीक है, हालांकि इतना कारगर डाटा तो है नहीं साइबर क्राइम्स में और इतना डाटा तो मुश्किल है, एक बार बस देख लिया एक नज़र से तो यहाँ पर काम क्या करता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटेन नेशनल डाटाबेस ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, कलेक्ट एंड प्रोसेस क्राइम स्टैटिक्स एट नेशनल लेवल, डेवलपमेंट ऑफ IT एप्लीकेशंस फॉर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इनको मदद मिलती है। सेंट्रल फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑल क्रिमिनल्स, ऑटोमेशन इन स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरिक्स स्टेट फिंगरप्रिंट, वही बातें सेम बातें रिपीट हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। CCTNs कनेक्ट 15,000 पुलिस स्टेशन, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है, 6,000 IAS ऑफिसर्स ऑफ पुलिस को भी कनेक्ट कर देता है। 2017 में नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, पोर्टल अलाउज सर्च फॉर अ क्रिमिनल फॉर सपोर्ट सर्विस लाइक फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑनलाइन, टेनेंट्स वेरिफिकेशन, सिटीजन्स सर्विस मोबाइल ऐप प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विस टू सिटीजन्स, नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स शेयर्ड विथ स्टेट्स एंड यूटीज, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल फॉर कंपनीज ऑफ फॉर चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी रेप, मैनेजेस काउंटरफिट करेंसी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड टेररिज्म एप्लीकेशन अंडर NCRB, वाहन समन्वय ऑनलाइन मैचिंग फॉर स्टॉलन, जो कोई व्हीकल चोरी हो जाता है तो वाहन समन्वय करके एक पोर्टल आप कह सकते हो ये है। नेक्स्ट, तलाश मैचिंग ऑफ मिसिंग पर्सन एंड डेड बॉडीज, तलाश भी एक है एप्लीकेशन जिस पर जो है मिसिंग पर्सन को ढूंढा जाता है। असिस्ट स्टेट्स इन IT सिटीजन्स फिंगर्स ट्रेनिंग सेंटर्स इन दिल्ली है, कोलकाता है, 4 रीजनल पुलिस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो ये सारी बातें बोली जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आर्टिकल देश देशांतर के अंदर की बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है आप जो इंटरनेट बंद कर रखे हैं, गवर्नमेंट से कहा है कि किस आधार पे बंद कर रखे हैं, तो उन्होंने दो हवाला दिया कि 19(1)(a) हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरा इसको जी से भी इन्होंने जोड़ा, यहाँ पर
ए मतलब ए और जी से जोड़ने का मतलब 19 तो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19(2) के तहत क्या होता है कि सरकार रोक तो सकती है, सेक्शन 144 लगा सकती है, यहां पर आईपीसी का सेक्शन 144 लगा सकती है, लेकिन वो जो लगा रही है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है, और 6 महीने से अधिक तक नहीं लगा सकती है, मतलब उसको भी सोच समझ कर तरीके से लगाना होगा, ऐसे आप जैसे मर्जी वैसे नहीं लगा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि नेसेसिटीज क्यों है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, फेक न्यूज को कवर करना और कंसर्न्स विथ बैंस, वही बातें अभी जो कि यहाँ पर इफेक्ट होता है, डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनेट हैज बीन आजकल ये ब्लैंकेट का काम करता है, दिनचर्या बन गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग प्राइवेट को दिक्कत होगी, जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से, डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होगी, और देखिए मतलब डेली का दिनचर्या एजुकेशन पढ़ने में, जैसे आज हम आप पढ़ाई कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगा। और आईपीसी को सेक्शन 144 को बताना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लगाने से पहले, अब जैसे 26 जनवरी आने वाला है तो पब्लिक को पता तो होना चाहिए कि हाँ हम पे लगाया जा रहा है इस तरह का, तो जाहिर सी बात है, हालांकि जनता ने ऐसी चीजों को कभी स्वागत नहीं किया है। अभी देखो केरल में एक केस आया था और यहां पर हुआ क्या, दो बातें हुई, आर्टिकल नंबर 21A के जरिए कोर्ट ने कहा कि राइट टू, 21A की बात कर रहा हूं और 21 की भी बात कर रहा हूं और 19 की बात कर रहा हूं, कि राइट टू एजुकेशन ये मौलिक फंडामेंटल राइट है, आप जो है सो इसको नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर इसका दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए तो आर्टिकल 21 के तहत प्रिजनर्स भी बोलेंगे राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है, तो जाहिर सी बात है कुछ बातें हैं जो इसको देखना होगा, सोचना होगा। कहने का मतलब यहां पर जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट के तहत, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग और पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यू के अनुसार एक लिमिट तक ही इसको कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को 19(1A) और 1G की सहायता से, या फिर आप जो है 19(2) की सहायता से नहीं लेकर के जा सकते हैं, तो ये सारी बातें आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। अभी देखो जब से 1GB फ्री डाटा आया है तब से जो है ये फेक न्यूज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि इजीली लोग एक्सेस कर पाते हैं। और वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, बैन ऑन लिमिटेड वेबसाइट्स और एप्लीकेशन फॉर फेसबुक फॉर व्हाट्सएप जो डिस्टर्ब करते हैं। यहां पार्शली बैन ओनली इफेक्टेड मींस मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एक्सक्यूशन, तो वेब फॉरवर्ड में आप यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है कि जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है हमारा इकोनॉमी, उसको किस तरह से कवर किया जाए, तो बहुत सारी बातें थी। स्टॉप वेस्टफुल एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंस नहीं होनी चाहिए उसको रोकना होगा, करप्ट एंड म्यूनिसिपल में जो हो, कॉरपोरेशन में हो, पंचायत में हो, MLAs में हो, स्टेट गवर्नमेंट्स में हो। नेक्स्ट, नीड टू रिवाइव फाइनेंशियल मार्केट को रिवाइव करने की जरूरी है। यहां पर बेटर क्रेडिट रेटिंग स्पेशली फॉर पुअर सेक्शंस को देने की जरूरत है। नेक्स्ट, यहां पर एक्सप्लॉइट US चाइना ट्रेड वॉर, मतलब US चाइना ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसमें टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, इन सब में एक नई तरह की तरह सोचना होगा, चाहे बायलेटरल रिलेशन से, चाहे आप कह सकते हो एक कॉपरेशन की भावना से। स्टॉप यूजलेस स्कीम्स लाइक किसान सम्मान निधि इंस्टीट, हालांकि इस तरह से क्रिटिक्स नहीं किया जा सकता है, पता नहीं ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट क्रिटिक्स हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं हो। अब फिजिकल डेफिसिट है तो कहीं ना कहीं लगाम तो लगाना पड़ेगा, तभी जा करके जैसे अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो PSUs वास्तव में घाटे में चल रहे हैं, जैसे आप एयर इंडिया ले सकते हो, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट कुछ पैसे जुटा सकती है, या डिवेंचर्स के जरिए जुटा सकती है, या मार्केट में बॉन्ड के जरिए जुटा सकती है, या मार्केट को मार्केट के ऊपर छोड़ करके जुटा सकती है, इंडस्ट्री को रिवाइव करके जुटा सकती है, और रिवाइव किया जा सकता है, MSME सेक्टर को आगे लाया जा सकता है, तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा तब जाकर के ऐसा हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, और एक आर्टिकल हमारा है पुराना वाला, डिस्कस ही कर लेते हैं। असल में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आई वांट टू से यू। फर्स्ट इज 1 मंथ के अंदर जो डेथ हो जाती है,
नेक्स्ट वन ईयर के डेथ जो हो जाती है, 1995 से ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड मिलेनियम गोल्स। आप जानते हो अच्छी तरह से जो वर्ल्ड मिलेनियम गोल्स 1995 से स्टार्ट हुआ और 2015 तक का टारगेट था, इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय 2/3 इन इंडिया, अर्लियर वी हैड 80 इन्फेंट्स डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, 1000 पर 80 डेथ होता है, नाउ एट 33 कम अ लॉन्ग वे। नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में आया, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आया। मेजर थ्रेट्स क्या हैं यहां पर, डेथ्स विद इन फर्स्ट मंथ इज अ मेजर कंसर्न। फर्स्ट मंथ में डेथ जो है मेजर कंसर्न है, अंडर वेट बेबीज जो हम लोग कहते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण होता है। सिस्टम फेल्योर क्या है, डॉक्टर पेशेंट्स रेशियो कम है, अंडर स्टाफ्ड है, स्टाफ कम है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ क्रिटिकल एरिया केयर है, वीक हेल्थ केयर रिस्पॉन्स है, एंड इनसफिशियंट फंड आप कह सकते हो। मतलब जैसे आप दिल्ली सरकार की आज बात करो तो दिल्ली सरकार ने हेल्थ सेक्टर में जो और अच्छा काम किया है, तो इस तरह से आगे बढ़ना होगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना होगा। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, स्टेट्स मैटर को बढ़ाना होगा, राइट्स रिड्यूसल शुड बी टेकन बाय स्टेट्स, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाना होगा, इमरजेंसी केयर बढ़ाना होगा, क्विक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना होगा, साइंटिस्ट शुड पिन डाउन द कॉज ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रेन, इस पर भी ध्यान देना होगा, एंड और भी पुनिटिव मेजर्स जो लेने चाहिए वो लिया जा सकता है। हिंस अ हेल्दी चाइल्ड डेवलप्स अ बेटर नेशन, तभी एक बेटर नेशन बन सकता है। ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। हालांकि एक आर्टिकल और हमारा अल्पसंख्यक का देशांतर का बचा हुआ है, कल कम आर्टिकल आएगा, कल तो हम पूरा सबको कवर कर लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।